गुड मॉर्निंग नए शेरीज की अगली दवा देखते हैं सोराइनम तो सीधे पॉइंट पर आते हैं सोराइनम आपका होपलेस पेशेंट रहता है बहुत ज़्यादा होपलेस पेशेंट रहता है और ब्लूएस्ट ऑफ द ब्लू मतलब डिप्रेशन में भी जो आखिरी डिप्रेशन है उस कंडीशन में सोराइनम पेशेंट रहता है मैं एक बुक पढ़ रहा था जिसमें लिखा था मतलब डिटेल में थोड़ा देख रहा था तो जैसे सोरेना पेशेंट को अगर कोई डाउट होगा ना तो जितने भी ब्लड टेस्ट हो सकते हैं उस बीमारी के वो सब करवा लेगा तुरंत अगर किसी पंडित जी ने कहा कि फलाने पूजा करवा लो ठीक हो जाओगे तो वो तुरंत दौड़ के वो पूजा करवा लेगा सारे जुगाड़ लगा लेगा बाद में पता चलेगा कुछ भी नहीं हुआ था तो ये कंडीशन रहती है हर छोटी छुट छोटी बात को लेकर खास तौर से अगर एक्यूट डिजीज़ है तो तुरंत टेंशन में चला जाएगा मुंह में छाला निकल के मतलब कैंसर हो गया पेट में दर्द हो रहा है मतलब लीवर कैंसर हो गया कुछ खतरनाक ही सोचेगा ये हमेशा सराइना बहुत ज़्यादा कमजोरी रहती है और थोड़ा सा भी मोमेंट होने पर भी थोड़ा सा भी एग्जर्शन कर लिया तो उसको खूब ढेर सारा पसीना हो जाएगा पसीना होने लगता है उसको मन करेगा सो जाए थक के इतना ज़्यादा थक जाएगा तुरंत लेट जाएगा इस तरह की वीकनेस रहती है सुरैना में शरीर पे दाने रहते हैं सूखे भी रहते हैं और मॉइश भी रहते हैं लेकिन जो इसका मॉइस्चर है वो उस तरीके का नहीं रहता जैसा ग्रेफाइटिस में रहता है और ये इन दोनों दवाओं को डिफ्रेंशिएट करता है स्किन जो रहती है स्केली रहती है और सूखी हुई चमड़े की तरह सूख जाती है गंदी रहती है ऐसा लगेगा जैसे उसे उसने कभी धुला ही नहीं है या धूलेगा तब भी वो गंदी ही दिखेगी इस तरह की कंडीशन रहती है शरीर में खुजली होती है ख़ास तौर से वाम था बेड में जब रात को सोने जाएगा और जैसे इसको ही उसको गर्मी महसूस हुई बस खुजली होनी शुरू हो जाती है एक और दवा है इसमें आपका मर्क्यूरियस जब शरीर गर्म होती है और शरीर में खुजली होने जाए और तब तक खुजलाता रहेगा जब तक खून ना आ जाए खुजली होती है उंगलियों के बीच में यहाँ पे ऐसे खुजली करेगा और जो जॉइंट्स के बेंड होते हैं उसमें भी खुजली होती रहती है डॉक्टर नैश ने एक दवा और बताई है कंपेरिजन के लिए वो है सीपिया ड्राई स्केली इरप्शन निकलते हैं शरीर पे जो गर्मी के मौसम में ख़त्म हो जाते हैं लेकिन जैसे ही ठंडी आएगी फिर से ये दिक्कत शुरू हो जाती है यही कंडीशन खांसी की भी रहती है हर ठंडी में खांसी वापस आ जाती है रिपीटेड आउटब्रेक्स होते रहते हैं इरप्शंस के बार बार वो दाने निकलते रहेंगे जो चमड़ी रहती है डल्टी फिलती लुक रहता है जैसे कि उसने उसे कभी धुला ही नहीं है और शरीर से भी एक सड़न जैसी बदबू आती रहती है सोराइनम आपका यूजफुल है अगर सप्रेस्ड स्किन इरप्शन हुए हैं उसके कॉन्सिक्वेंसेस कोई स्क्रीन इरप्शन हुआ और महम लगाने से या कोई दवा खाने से वो ठीक हो गया लेकिन उसके बाद और ढेर सारी कई दिक्कतें आने लगी तो आप सोराइनम के बारे में सोच सकते हैं और सोराइनम ग्रेफाइटिस को रिजम्बल करता है काफ़ी कंडीशंस में लेकिन सोराइनम में जो डिस्चार्ज होता है वो उतना स्टिकी या हनी टाइप का नहीं होता जैसा कि आपके ग्रेफाइटिस में होता है ठंडे हवा के लिए सोराइनम पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रहता है क्विंसी में केस को फिनिश करने के लिए लास्ट में क्विंसी के केसेस में जब सब ठीक हो गए सोराइनम वनम का एक दे दिया जाता है थोड़ा सा भी ठंडी हवा लगी हिपर सल्प की तरह तो उसको सर्दी जुकाम तुरंत रिन्यू हो जाता है मोडलिटीज की बात करें तो ठंडी हवा में इसकी तकलीफ बढ़ जाती है गर्म जगह पर रहने पर शरीर गर्म हुई तब हो जाता है सिटिंग बैठने वाली पोजीशन में या बैठ के उठता है या बैठ चलता है उस समय और आराम मिलता है अपने हाथों को शरीर के पास लाने से और लेट जाने से सांस फूलेगी तो अगर लेट गया तो उसको आराम मिल जाएगा और सांस जो फूलती है डिस्निया होता है अस्थमा वाली कंडीशन उसमें इसको वार्म से आराम मिलता है मतलब पूरा ढक के सो जाएगा तो इसको आराम लगेगा बहुत ज़्यादा वीकनेस और डेबिलिटी होती है लॉस ऑफ फ्लोडी भी इसकी वजह रह सकती है या कोई बेसिकली एक्यूट डिजीज जैसे अभी आपका कोरोना चला था कोरोना के बाद जो वीकनेस थी उसमें सोराइनम ने बहुत अच्छा काम किया है और कभी कभी ये होता है विदाउट एनी कॉज मतलब मरीज को कोई दिक्कत नहीं सब कुछ ठीक है फिर भी दुबला होता जा रहा है तो ऐसी कंडीशन में जब भी आपको लगे कि सब कुछ तो ठीक है फिर भी ये क्यों हमेशा बीमार है तो सोराइनम आपकी रेमेडी है क्विंसी जो है इरेडिकेट करने के लिए ख़त्म करने के लिए हमेशा के लिए इस कंडीशन में सोराइनम आपको फिनिशिंग टच देती है तो ओवरऑल यही था डायरिया जो है डायरिया सोराइनम का ब्राउनिश होता है वाटरी होता है ऑफेंसिव होता है इस कंडीशन में आप चाइना से कंपेयर कर सकते हैं लेकिन चाइना में जो हिस्ट्री है डायरिया में लॉस ऑफ वाइट ऑफेड और इस तरह की कंडीशन से वो आप सोराइनम से इसको डिफ्रेंसीट करते हैं कर सकते हैं और सोरेम सोरेनम पेशेंट बहुत ज़्यादा चिल्ली होता है मतलब डॉक्टर नायश ने कहा है कि गर्मी के मौसम में भी वो टोपी पहन के रहेगा इतना वो सेंसिटिव रहता है कोल्ड के लिए ये थी सोरेनम थैंक यू